हैदराबाद के कुसीगुड़ा पुलिस ने राशन दुकान के डीलर को आज अरेस्ट किया। राशन दुकान डीलर की मांग थी कि तेलंगाना सरकार अपने वादे पूरे करे और हमें भी एक सरकारी कर्मचारी के तरह देखे और उनको दी जाने वाली सुविधाएं हमें भी दे। ईएसआई पीएफ और एक फिक्स सैलरी 30,000 की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान सभी 25 डीलर को पुलिस ने अरेस्ट कर थाने ले गई। तेलंगाना के राशन डीलर सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता दिलीप पवार की रिपोर्ट।